हाजिर हूँ शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। सबकी बड़ी खबर मैं बता दूं कि एक महिला को मार दिए जाने की खबर आ रही है। परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है और कुछ लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या किया है। इसी संदर्भ में मंडलीय अस्पताल में हूँ और यहाँ परिजनों के द्वारा उस मृतक शरीर को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। हुसैनाबाद पुलिस जांच में जुटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दंगवार पंचायत के मुखिया अमरेंद्र ठाकुर भी पहुँचे हुए हैं घटना की खबर मिलने के बाद। वादे करता चलूँ कि अनीता देवी 35 वर्षीय महिला थी। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में भी इनको मारपीट करके कहीं फेंक दिया गया था और इनके साथ बर्बरतापूर्वक परिवार पेश आते थे। मृतिका के पति नागेंद्र पासवान के अलावा सास ससुर व अन्य पर भी आरोप परिजनों ने लगाया है। मृतिका अनीता देवी का मायका तकिया अलीनगर बताया जाता है। अनीता देवी पिता स्वर्गीय वसुदेव राम की पुत्री हैं। मृतिका अनीता देवी का ससुराल शिव बीघा में बताया जाता है। घटना रात्रि 8 बजे के करीब के आसपास की बताई जाती है। घटना कैसे हुई और परिजन जिनकी मौत हुई उनसे आपका रिश्ता क्या है? वो मेरा मौसी है। ठीक है, ये घटना के पीछे आज मतलब बहुत दिन से हम लोग सुनते हैं उसका ससुर मारता है, सास मारता है, कुछ नंदोसी का जिस में हाथ है, ऐसे नहीं कंसपिरेसी ऐसा ऐसा कांड उसके साथ में मारपीट वाला 6 बार 7 बार 8 बार ऐसा कांड हुआ है। पीछे कुछ दिन पहले इन लोग का क्या किया था, मार के खेत में बिक दिया था, समझ गए। और उसके साथ में क्या ससुर जो होता है गलत सब करने के लिए कटक भी करने लगता है, समझ गए। पूरा इन लोग का इस मटर में पूरा इन लोग का हाथ है, इसमें नंदोसी का भी हाथ है, ससुर का भी हाथ है और सास का भी हाथ है, पूरा इन लोग का हाथ है। तबीयत खराब हो रही थी या नहीं? नहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आप कहाँ रहते हैं? आप हम अभी चेन्नई में थे, है ना, अभी फिलहाल घर आए हैं। कितने दिन पहले? हमको हो गया करीब 1.5-2 महीना हो गया। तो अभी गांव कहाँ पर रहते हैं? मेरा हदनगर रजंदा घर है। बने रहिए आरबीसी चैनल पर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें बेहतर खबरों के लिए आरबीसी चैनल पर। हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत।